तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि शिमला में बनाया जा रहा है, मुख्य कार्यक्रम जो हिमाचल प्रदेश का वो यहाँ पर आयोजित है। और इसके अलावा सप्ताह भर कई कार्यक्रम भाजपा के चलने वाले हैं, क्योंकि अम्बेडकर जयंती को साथ को जोड़कर इस कार्यक्रम को मनाया जाता है और लगातार कार्यक्रम भाजपा के चले आ रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये भी है कि इस स्थापना दिवस के बहाने जो पार्टी की गतिविधियां हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि शिमला में नगर निगम चुनाव अब आने वाले हैं, तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं, चुनावों की डेट फिक्स हो चुकी है मतदान की। तो ऐसे में उन चीज़ों को देखते हुए भी बूस्टअप कार्यकर्ताओं को किया जा सकता है। और कुछ क्षणों में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं कुछ देर में पार्टी ऑफिस में, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 9:40 तक जो है तो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो सकता है। और इसके बाद क्योंकि विधानसभा सत्र है तो तमाम विधायकों को फिर वहाँ से विधानसभा सत्र के लिए भी आना है। लेकिन गतिविधियाँ हलचल पार्टी ऑफिस में शुरू हो चुकी है और कुछ देर में ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके अलावा कई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ भी भाजपा शुरू करती है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP Nadda की तरफ से पूरे देश भर में जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को हिमाचल प्रदेश में भी फॉलो किया जाएगा, और जो अलग अलग गतिविधियां पार्टी की हैं उनको भी धरातल पर उतारने। बिल्कुल राजेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस पूरे सप्ताह को सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर भाजपा मनाने की तैयारी में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख के आसपास बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं, तो हिमाचल के कार्यकर्ता किस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकेंगे? क्या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, या फिर किस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर क्या इंतजाम है? जैस्मिन, शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो नगर निगम के बूथ हैं, वार्ड वाइज व्यवस्था की गई है, अलग अलग वार्डों के प्रभारी बनाए गए हैं नगर निगम चुनावों को लेकर, और वही प्रभारी आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाकर उनको संबोधन किया जाए, और उस संबोधन के बाद फिर नगर निगम चुनावों को लेकर भी वार्ड वाइज चर्चा भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग कर सकते हैं। और इसको लेकर जो वार्ड के प्रतिनिधि है जिनको जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम शिमला में, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो जहाँ पार्टी मुख्यालय हैं वहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान पर जो स्थानीय नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय मंडल अध्यक्ष जो हम कह सकते हैं, या वो उनके नेतृत्व में ये पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि विधायक मौजूद नहीं है, विधायक सभी शिमला में हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी विधानसभा चुनावों के वो मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मौजूद रहेंगे, और वो उनके नेतृत्व में ही ये पूरा कार्यक्रम चलेगा पूरे प्रदेश भर में। और शिमला में सभी वार्डों में अलग अलग व्यवस्था की गई है, भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे, और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नगर निगम शिमला को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है।